दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जहां से आपको शिक्षा संबंधित सभी जानकारियां आपके साथ साझा की जाती है। अगर इस जानकारी में कोई जानकारी छूट जाती है तो आप अपनी प्रतिक्रिया नीचे जिस कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। आप प्रतिक्रिया से काफ़ी लोगों को लाभ मिलता है और हमें भी और भी अद्यतन पोस्ट बनाने के प्रोत्साहन मिलता है। तो आज वीडियो के अंतर्गत बताएंगे DLED TET1 परीक्षाओं के शासन से मांगी गई है अनुमति और जल्द ही अनुमति मिलने के आसार हैं, तो इसी विषय पर बात करेंगे। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो के अद्यतन पोस्ट आप तक सरलता से पहुँचती रहे। तो आइए देखते हैं खबर को विस्तार से। तो DLED TET1 परीक्षाओं के शासन से मांगी गई अनुमति। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने शासन राज्य शिक्षक पात्रता परिषद 2020 डिप्लोमा इंटरमीडिएट एजुकेशन DLED उर्दू विशिष्ट BTC परीक्षा सहित अन्य परीक्षाओं की अनुमति मांगी है। बताया गया है कि प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने कहा कि शासन से अनुमति मिलने के बाद परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि TET DLED डिप्लोमा इन साइकोलॉजी, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग विशिष्ट, उर्दू विशिष्ट, BTC मृतक आश्रित, BTC प्रशिक्षण परीक्षा, एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षा और आंग्ल भाषा डिप्लोमा परीक्षा का आयोजन नियामक प्राधिकारी कार्यालय कराता है, मगर कोरोना महामारी के चक्कर इस बार इन परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जा सकता है। और जिस प्रकार से इधर देखिए, शासन ने अधिकारी ने बताया कि 9 अगस्त को संयुक्त बीएड परीक्षा सकुशल संपन्न हुई, जीवन नीट के आयोजन हो रहे हैं। इन परीक्षाओं के असफलता के बाद आकलन कर TET सहित अन्य परीक्षाओं करने की अनुमति ली जा रही है, जिससे कि गौरतलब है कि TET में 3 से 4 लाख अभ्यर्थी शामिल होते हैं, लिहाजा कोरोना मद्देनज़र विशेष इंतजाम किए जाएंगे। तो जिस प्रकार से सभी परीक्षाएं हो रही हैं तो इन सभी परीक्षाओं में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, तो शासन की अनुमति मिल जाएगी। जिस प्रकार से सभी परीक्षाओं कराने के लिए शासन अनुमति दे रहा है और ना कराने के लिए जो भी याचिका दायर हो रही हैं वो खारिज की जा रही हैं, तो अगर आप इन सभी पेपर को देने के लिए आप तैयार हैं तो अभी से ही जुट जाइए, क्योंकि इन सभी परीक्षाओं के डेट कभी भी आ सकती है और घोषित हो जाएगी, फिर आपको समय नहीं मिलेगा। तो अपनी तैयारी अभी से ही स्टार्ट करके जारी रखिए जब तक परीक्षा नहीं हो जाती है। ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।